यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अगर हो तो दिस डेस्टिनेशन इज वेरी मच कॉमन टू यू गाइज. आप लोग कहाँ पे क्या घूम सकते हो, क्या खाना खा सकते हो एंड द ब्यूटी ऑफ दीघा. आई नो यू हैव सीन लॉट्स ऑफ वीडियोस अबाउट दीघा. ये वीडियो भी देख लो, आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. सो मेक श्योर यू गाइस स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. दीघा पहुंचने के लिए ट्रेन तो है ही, लेकिन बहुत सारे सिटी बसेस भी है. इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग. तो लगभग 182 किलोमीटर्स क्रॉस करने के बाद प्लैनेट से मैं पहुंच गई हूँ न्यू दीघा. बहुत सारे होटल्स हैं, चाहे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो या डायरेक्टली वॉक इन, बट मेक श्योर कोई वीकेंड ना हो या हॉलीडेज, नहीं तो यहाँ पे ना बहुत रश होते हैं. मैंने अपने रूम बुक किया था ऑनलाइन पोर्टल से. कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी है इसके साथ. सी बीच से नज़दीक तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक. एंड द रूम इज़ रियली वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कोजी. बजट फ्रेंडली, लग्जरियस, सुपर लग्जरियस स्वीट रूम्स, आपको जो चाहिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे ओल्ड दीघा हो या न्यू दीघा. और एक होटल रूम के लिए जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है रेस्ट रूम, वो अच्छा होना चाहिए. एंड सेकेंड इज बालकनी, इट इज अ मस्ट. सो इस होटल का ना एक स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल लेकिन बहुत ही छोटा. चलो कोई बात नहीं, मस्ती करने के लिए ठीक ही है दोस्तों के साथ. तो मैंने भी वहाँ पे बहुत सारी मस्ती किया, नहाया, फिर नहाने के जो होता है वो है भूख. तो आई वॉज वेरी सुपर हंग्री, लेकिन इन हाउस रेस्टोरेंट भी है होटल, दे हैव इन हाउस रेस्टोरेंट. तो मैंने खाना मंगवा लिया है रूम पे. दिस इज आई थिंक वेज कोल्हापुरी, ये है वेज कोल्हापुरी और ये है दाल. एवरीथिंग इज वेरी नाइसली पैक्ड. और दिस इज झूड़ो आलू भाजा, बंगालीज फेवरेट. और इसके साथ है यहाँ पे राइस, गरम गरम भात, दाल और झूड़ो आलू भाजा. दाल इज नॉट दैट गुड, अच्छा नहीं लगा मुझे, बहुत पतला है, नो टेस्ट एट ऑल. एंड आलू भाजा इज लाइक समवॉट ओके. आई विल टेस्ट दिस वन, वेज कोल्हापुरी. पनीर वगैरह भी है, पनीर, मटर, कैप्सिकम, टोमेटो, बीन्स, गाजर. वाह बहुत गरम गरम है, इसको ट्राई करती हूँ मैं. दाल और आलू भाजा थोड़ा एवरेज था लेकिन ये वाला अच्छा है. और अच्छे से खाना वाना खा के एक पावर नैप लेके शाम को मैं निकल गई उदयपुर की तरफ. होटल से सी बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, लेकिन ये टोटो को मुझे देना पड़ा 100 रुपीज. सो दे हैव अ फिक्स रेट, लेकिन ये फेयर कम भी होगा अगर आप शेयर करके जाएंगे तो. दीघा इज इन वेस्ट बंगाल एंड उदयपुर इज इन ओडिशा. वी डू शेयर अ बॉर्डर टुगेदर. राइट नाउ आई एम इन उदयपुर सी बीच और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, आप देख पा रहे हो. इट्स लाइक ऑसम, दिस ब्लू स्काई, ब्लू वाटर एंड दिस सी बीच, दिस इज रियली वेरी नाइस. तो मैं उदयपुर सी बीच आई हूँ न्यू दीघा से. आप आने जाने का भी एक साथ बुक कर सकते हो, बट आई बिलीव लाइक इफ यू आर कमिंग लाइक विथ पेइंग 100 रुपीज, इट्स फाइन, यू स्टे हियर फॉर 1 आवर 2 आवर्स एंड देन यू गो बैक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस.
उदयपुर बहुत ही नज़दीक में है, दो इट्स इन ओरिसा बट स्टिल। और यहाँ पे मतलब आप स्कूटी लेके लास्ट एंड तक जा सकते हो, मतलब जो हम लोग कहते हैं मोहना, लेकिन आप उतना दूर तक जा सकते हो, वहाँ पे रेड क्रैब्स है। तो स्कूटी बाइक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यू कैन सिट हैव सम गुड फूड लाइक आइदर इट इज़ फिश और चिकन और वॉट एवर इट इज़, आप वो भी खा सकते हो, टाइम बिता सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस बीच ऑफ उदयपुर, विच इज़ आई थिंक यू नो समथिंग यू कैन एन्जॉय विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप उदयपुर सी बीच पे ना बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ओल्ड दीघा पे ये सब उतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द ओल्ड दीघा सी बीच इज़ कॉन्क्रीट। न्यू दीघा में तो भी है बट ओल्ड दीघा यू डोंट गेट दैट ऑप्शन। डू गिव इट अ विजिट ओवर योर, दिस इज़ रियली लवली। अगर आप लोग यहाँ पे आके रुकना चाहते हो, होटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल बट इट्स वेरी क्वाइट एंड काम प्लेस, उतना मार्केट ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। एंड फिलहाल मैं तो कुछ देर बैठ के यहाँ का सनसेट का मज़ा लूँगी, फिर कुछ खाना वाना खाऊँगी, फिर यहाँ से जाऊँगी। फिलहाल इन्जॉय उदयपुर सी बीच। I have spent a very quality time here with good food. और उसके बाद आता है time to get back to the hotel room. लौटने के वक्त मैंने बाकी टूरिस्ट के साथ शेयर करके आई थी और फेयर हुआ था ओनली 30 rupees पर पर्सन। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बस कुछ ही देर में मैं पहुँच गई हूँ न्यू दीघा का न्यू मार्केट, और इस मार्केट में आपको बहुत सारे सामान मिलेंगे जो आप खरीद के अपने घर ले जा सकते हो या किसी को गिफ्ट कर सकते हो। इवन देयर वेर फ्यू राइड्स फॉर द किड एंड दैट्स वाई मेनी प्रेफर दिस प्लेस फॉर अ स्मॉल गेट अवे। जब भी कोई छुट्टी मिलते हैं या कुछ वीकेंड्स, सब कोई पसंद करते हैं दीघा जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ना आपको छोटा स्टॉल्स कहो या रेस्टोरेंट्स, कुछ खरीदना है या खाना है या बजट फ्रेंडली होटल्स पे रुकना है, आपको यहाँ पे सब तरीके के सब कुछ मिलेगा। और आज मैंने बहुत ज़्यादा सी फूड खा लिया, तो अगर आपको भी सी फूड का क्रेविंग हो रहा है तो आप न्यू दीघा से खरीद के खा सकते हो, बट मेक श्योर दोज आर फ्रेश एंड यू आर ईटिंग इट फ्रॉम अ गुड प्लेस। और ऐसे ही पूरा दिन घूमते घूमते मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा टायर्ड। टेक अ शावर, हैव सम लिटिल स्नैक्स एंड स्लीप वेल। सो मैं कल सुबह आप लोगों के साथ मिलती हूँ, तो मेक श्योर यू गाइस स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। The best thing I like about Digha is you get to see lots of diversity of trees. आपको यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, कैसेरिना, साल, देवदारू, महगनी, टैमरिन, कैशियूज एंड सो मेनी लॉट्स मोर। फिलहाल तो अभी मैं हूँ ओल्ड दीघा पे, तो ओल्ड दीघा का सी बीच एक अलग ही है। राइट साइड पे आप देखोगे तो वहाँ पे है न्यू दीघा, और लेफ्ट साइड पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे है ओल्ड दीघा का मार्केट। और दीघा में और एक चीज जो ऐड होने जा रहा है बहुत ही जल्द, वो है जगन्नाथ मंदिर। कृपया करके जगन्नाथ पुरी का मंदिर और ये मंदिर को आप कंपेयर मत कीजिए, दोनों ही अलग है। जय जगन्नाथ। और घूमते घूमते मैं पहुंच जाती हूँ ओल्ड दीघा सी बीच। Hope you like the video. If so, please do like, share and subscribe Happy My Tummy. मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों के साथ। Till then, love.